पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। केंद्र सरकार पर बरसे संजय राउत, कहा महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों का हो रहा है दुरुपयोग। महाराष्ट्र में सत्ताधारी शिवसेना के नेतृत्व में वाली महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में फूट पड़ गई है। गठबंधन की सहयोगी दल स्वाभिमान पक्ष SP ने मंगलवार को महाविकास अघाड़ी से खुद को अलग होने का ऐलान कर दिया। अब खतरे में है उद्धव ठाकरे सरकार की कुर्सी। ईडी ने लैंड स्कैम में संपत्ति को किया कुर्क, तो संजय राउत ने किया ट्वीट, सत्यमय जय थे। संविधान मुझे देता है इजाजत, नवरात्रि में मिड दुकान पर बैन को लेकर TMC सांसद का सामने आया बयान। उन्होंने कहा तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोहित्रा ने बुधवार को नवरात्रि के दौरान मिड दुकानों पर लगे बैन की आलोचना करती हुई नजर आई। देश में दो तरह की राजनीति हो रही है, एक परिवार भक्ति और दूसरी राष्ट्र भक्ति। भाजपा स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों पर साधा निशाना। अगली बड़ी खबर मुंबई से है। कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 11 अप्रैल तक CBI हिरासत में भेजा। राज्यसभा में पेश हुआ आपराधिक प्रक्रिया पहचान बिल, अमित शाह ने कहा हमारा कानून सख्ती के मामले में बच्चा। मुंबई में CNG की कीमत 7 रुपए प्रति किलो बढ़ाकर 67 रुपए हुई, पिछले एक महीने में दरों में कुल वृद्धि 10 रुपए प्रति किलोग्राम हुई है। मुंबई में ओमिक्रॉन के नए स्वरूप XE का पहला मामला सामने आ गया है और 228 या 99% रोगियों में ओमिक्रॉन का पता चला है। रणबीर कपूर के पास रिलेशनशिप पर जब आलिया भट्ट ने किया था रिएक्ट, कहा मैं थोड़ी ना कम हूँ, मेरे भी रिलेशनशिप रहे हैं। भारत बोला बूचा हत्याकांड की जांच हो, UNSC की बैठक में रूस का नाम लिए बिना की हत्याओं की निंदा, नागरिकों की मौत वाली रिपोर्ट्स को बताया परेशान करने वाला। इमरान खान के सांसद ने ही उन्हें बताया गद्दार, आमिर लियाकत बोले इमरान ने फौज में बगावत की साजिश रची, TV पर झूठ बोला, उनका खत जाली। भाजपा स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर विपक्ष, बोले देश में आज दो तरह की राजनीति, एक परिवार भक्ति और एक राष्ट्र भक्ति। आजादी के अमृत काल के कर्तव्य काल में बदले, 4 राज्यों में चुनावी जीत से हमारी जिम्मेदारी बढ़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिजाब विवाद पर अलकायदा सरगना का वीडियो, 9 मिनट के वीडियो में बोला जवाहिरी हिजाब पहनना मुसलमानों का हक, हम उनके साथ। हिमाचल में आम आदमी पार्टी का रोड शो, केजरीवाल बोले हमें राजनीति नहीं आती पर देशभक्ति आती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले में विक्टोरिया पुल से पड्डल मैदान तक आम आदमी पार्टी ने रोड शो शुरू किया। मिड बैन पर TMC सांसद की दलील, महुआ मोहित्रा ने कहा संविधान जब चाहे मांस खाने की अनुमति देता है। अगली बड़ी खबर भी महाराष्ट्र से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NCP चीफ शरद पवार के बीच दिल्ली में 20 मिनट हुई मुलाकात, महाराष्ट्र में हुई चर्चा। रमजान में स्पेशल ब्रेक पर U-turn दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड ने मुस्लिम कर्मचारियों के 2 घंटे की छुट्टी के आदेश को वापस लिया, भाजपा के विरोध के बाद फैसला बदला। हिजाब हलाल अजान और अब दुकान, कर्नाटक से दिल्ली महाराष्ट्र तक पहुंचा घमासान,